जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल में कैसे हैं भाई गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग कैसे हैं बताइए कैसे हैं आप कैसे हैं आपके पीछे ऑल ओके बहुत शानदार राधे राधे भाई राधे 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 आ गए भैया बिल्कुल आ गए जाएंगे कहाँ पे आप लोगों को छोड़ के ये बताइए आप ही लोगों के पास रहना है यही दुनिया है यही जिंदगी है कहीं जा सकते हैं ये बताइए पहले तो फाइनली आज से हम लोग हो चुके हैं बहुत स्टेबल और आज से हम लोग अपने प्रॉपर तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे ठीक है आज है हमारा महाभारत बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है ये जो महाभारत बैच है ये आपका एसएससी सीजीएल और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ठीक है अगर इस महाभारत बैच में बात करें तो सारे टॉपिक्स एक एक करके हम धीरे धीरे कवर अप करते चल रहे हैं जैसे कि आपने देखा परसेंटेज हो गया प्रॉफिट लॉस हो गया डिस्काउंट हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया अब बारी है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की और इसी के बाद हम इसी तरीके से बाकी सेकेंड टॉपिक फिर उसके बाद की टॉपिक फिर उसके बाद की टॉपिक सभी हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे बीच बीच में हो गया तो हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते चलेंगे और इसके अलावा बड़ी बड़ी मराथंस भी हमारी होंगी भाई ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आज के सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त बात इस थमले उठा गया है तिमाही छः माहि नौ माह वाले प्रश्न यानी आज के आपको एक तरीके से अगर हम बात करें इस वीडियो में तो पहली बात तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं दूसरी बात तीन महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं छः महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं पाँच महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डील करने वाले हैं ठीक है अभी जिस तरीके से आपने देखा यहां पर कल हमारी नई बुक आई है और ये सिक्सटी मॉक टेस्ट की जबरदस्त बुक है हमारे सीजियल मेस के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है साठ बहुत ही ज़बरदस्त और गदर मौक है यहाँ पे जो आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं जो आपको मेंस में नब्बे में नब्बे नंबर मैथ्स में दलाने वाले हैं तो यहाँ पर ये यह किताब आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है कल किताब जैसे ही लॉन्च हुई फ्लिपकार्टे आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से लॉन्च होते ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई फ्लिपकार्ट से जब मैं रात में बात कर रहा था उनकी टेक्निकल टीम से तो उनका ये कहना था कि सर मतलब आपकी जो बुक है वो प्री ऑर्डर पर है और प्री ऑर्डर पर जब बुक होती है तो इतना फास्ट ऑर्डर इतना तेज़ी ऑर्डर हमारे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और इस वजह से जो हमें स्टॉप करना पड़ा क्योंकि प्री ऑर्डर में इतने सारे ऑर्डर अचानक से नहीं आते हैं ठीक है तो हज़ारों की संख्या में जो है वो ऑर्डर थे वहाँ पे और इस वजह से वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई हालाँकि सुबह हम वापस से उसे स्टॉक में लेकर आ पाएँ और आप लोगों का बहुत अच्छा और प्यार और सपोर्ट रहा कि दस से ऊपर ये किताब अब तक ऑर्डर हो चुकी है ठीक है तो इसीलिए आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जिन्होंने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं किया है वो अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से दोनों जगह से ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है फ्लिपकार्ट पर इसका कीमत तीन सौ तीस रुपये और अमेजन पर इसकी जो वैल्यू है वो तीन सौ रुपये है क्योंकि अमेजन पर आपको डिलीवरी चार्ज भी चालीस रुपये देना होता है ठीक है नेक्स्ट एक और बात बताएं तो आप लोगों के प्यार से ये दोनों जगह पर नंबर वन पे है हम कोई ऐसा होता है कि कोई किताब कहीं पर एक नंबर पे है ठीक है जैसे मानो अमेजन पर एक नंबर पर है तो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट तो अमेज़न पे नहीं है बट ऐसा तो नहीं, नहीं है मतलब यूँ समझ लीजिए कि दोनों जगह पर ये जो किताब है अपने आप में नंबर वन चल रही है इसके अलावा एक और छोटी सी हम आपको बात बता दें तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि देखो जो भी पीस बनेगी या जो भी किताब बनेगी ना वो अपने आप में हमेशा एक मास्टर पीस बनेगी ठीक है अपने आप में एक मास्टर पीस होगी मेरे भाई बस यूँ समझ लेना और आज इसी का प्यार और आशीर्वाद है आप लोगों का कि देखिए हमारी ये वाली किताब तो कल आई है लेकिन उसके पहले से भी आपकी अपनी एक किताब है और वो है ब्रह्मास्त्र ठीक है और ब्रह्मास्त्र जो है मेरे भाई यहाँ पर देखो अमेजोन पे जाओगे सिर्फ आप सर्च करना आदित्य रंजन आपको और कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप सिर्फ़ आदित्य रंजन यहाँ सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पर सारी किताबें मिल जाएंगी ठीक है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और एक और सबसे अच्छी चीज़ मैं अभी आपको यहाँ लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को ये रहा ये हमारा मैथमेटिक्स का 60 मॉक टेस्ट वाला बुक है आप देखिए यहाँ पर तो बेस्ट सेलर के कैटेगरी में है और ये हमारा ब्रह्मास्त्र ये भी बेस्ट सेलर के कैटेगरी में है अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिएगा ज़रा रैंक वन की और रैंक टू की सारी बातें मैं आपको दिखाएंगे ठीक है ये बस आप लोगों का प्यार है कि अब तक मैं सिर्फ दो किताबें दे पाया हालांकि वो दो किताबें अपने आप में मास्टर हैं और ये दोनों किताब की जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पर दिखेगी बहुत ही मेहनत करके इन कंटेंट्स को बनाया दिन रात एक करके ठीक है अपना मतलब घर तीन तीन बजे चार चार बजे तक जाना जा जा कर फिर उस तरीके से जो है बुक बनाना यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों को ये किताब कैसे मिलेगी और आज आप यहाँ लाइव देख पा रहे हैं कि एस एग्ज़ाम में कई सारे बुक्स हैं ठीक है लेकिन नंबर वन भी अपनी ही है मैथ्स की सिक्सटी मॉक टेस्ट और नंबर टू जो है फार्मूला बुक वो भी अपनी ही है और जो नंबर थ्री आएगी ना ठीक है एसएससी मैथ बुक वो यहाँ पर होगी वो भी नंबर वन ये भी आपका टू रहेगा और ये भी थ्री रहेगा मेरे भाई कई सारे बुक्स होते तो हैं मार्केट में ठीक है बहुत अच्छी डिमांड भी है लोगों में बहुत अच्छी वैल्यू भी है लेकिन नंबर वन नंबर टू किताब जो रहती है वो अपनी ही रहती है कारण और रीज़न और क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है ये आप लोगों के वजह से है ये तो कई दिनों से बुक है यार ठीक है जहाँ पर बच्चों का इतना ज़्यादा जो है पसंद है ब्रह्मास्त्र चाहिए ब्रहमास्तर चाहिए ब्रह्मास्त्र चाहिए, चाहिए तो एक तो ये हमेशा से रही एक और बुक आ चुकी है और एक तीसरी बुक भी आएगी ठीक है तो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया वो ऑर्डर ज़रूर कर लें मेरे भाई ठीक है चलिए हाँ तीसरा भी आ रहा है बिल्कुल वेट करें तीसरे के लिए भी और ये पूरा इसके अंदर का कंटेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं भाई यहाँ पे तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत ही तरीके से ठीक है चलिए तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है वो जरा मुझे बताइए चक्रविधि ब्याज से आप क्या समझते हैं साधारण ब्याज भी है चक्रविधि ब्याज भी है तो चक्रविधि का मतलब क्या होता है ठीक है और किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज ouais में क्या क्या पढ़ना है किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे क्या हमारा फॉर्मूला होगा क्या हमारा मेथड होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं देखिए ब्याज जो होता है वो साधारण भी होता है ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि भी होता है लेकिन जब किसी पैसे पर भी ब्याज लगे और उसके ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे हम क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कहते हैं ठीक है समझ रहे हैं इस बात को आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से सौ रुपये उधार लिया उस सौ रुपये पर जो ब्याज है वो आपका दस रुपया का है तो अगले साल जब ब्याज लगेगा तो वो सौ रुपये पर भी लगेगा और वो दस रुपये पर भी लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को हम यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं बचपन में जो हम पढ़ते थे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम एक फार्मूला पढ़ते थे लेकिन अब हमें उस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है उससे हमारा कोई रोल नहीं है आज के लेटेस्ट पैटर्न टीसीएस के अकॉर्डिंग आपके अरिथमेटिक में दो चैप्टर जो हैं वो हाईली कैलकुलेटिव हैं और हाईली इंपॉर्टेंट भी हैं जहां पर टीसीएस ढंग के क्वेश्चन बना रहा है और वो दो चैप्टर हैं आपका एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और दूसरा जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो आपका एवरेज हो गया ठीक है ये दो चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में और आपको बहुत ध्यान देना होता है अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक तो जैसे हो जाता है दो सालों का ब्याज कैलकुलेट करो तीन साल का ब्याज कैलकुलेट करो चार साल का ब्याज कैलकुलेट करो कुछ ऐसे वाले सवाल हो जाते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है वो समय का सारा खेल होता है और समय में ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए कि आपका सिक्स मंथली हो गया जिसे हम हाफ ईयरली भी कहते हैं या फिर हमारा जैसे मान लीजिए फाइव मंथली हो गया या फिर हमारा जैसे मान लीजिए सेवन मंथली हो गया ऐसे करके ये सारे के सारे, सारे सवाल होते हैं ठीक है तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई तो हमें यहाँ पर रेट को पता करना होता है कि हमारा रेट क्या है या समय को पता करना होता है कि समय क्या है ठीक है अब इनमें जो हमारे मेथड्स यूज होते हैं ना वो हमारे दो ही मेथड हैं असल में हर किसी के लिए अपना अपना मेथड है बट फिर भी मैं अगर बात करूं तो ब्रोड वे में आपको मात्र दो ही मेथड पढ़ना है और वो मेथड आपको पढ़ना है एक तो आपको सक्सेसिव पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है रेशियो मेथड ठीक है ये दो मेथड ही आपके एकदम महत्वपूर्ण हैं और आपको जो है कंपाउंड एंटर से ही आपको निजात दिलाएंगे दोनों की आवश्यकता भी है अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव अगर हम बात करते हैं रेशियो का तो जो सक्सेसिव होता है वो किन रेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जैसे मान लीजिए एक परसेंट रेट आ गया दो परसेंट रेट आ गया तीन परसेंट रेट आ गया इस तरीके से करके और रेशियो जो होता है वो आपके जितने भी ये फ्रैक्शन्स वाले रेट होते हैं ना उनके लिए हमारा ये हेल्पफुल होता है एक ग्यारह सही एक बटे नौ बारह सही एक बटे दो इस तरीके से करके ये सारे के सारे रेट्स के लिए मेरा अप्लाई होगा भाई ठीक है यहाँ पर सक्सेसिव आपको सीखना है दो साल का सक्सेसिव सीखना है तीन साल का सक्सेसिव सीखना है चार साल का और साथ में जब हमारा एक तरीके से दो सही दो बटे पाँच साल हो तीन सही एक बटे दो साल हो मतलब ऐसे वाला भी समय हो यहाँ पे और रेशियो भी हमें उसी प्रकार से सीखना है ठीक है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको सक्सेसिव के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमारे बच्चों को सक्सेसिव का पता होना बहुत ज़रूरी है हालांकि सक्सेसिव का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था और कहाँ पर दिया था तो आपको जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन परसेंटेज वाले टॉपिक में दिया था परसेंटेज में हमने पढ़ाया भी था परसेंटेज में हमने बताया भी था हमें यहाँ पर उसी तरीके से थोड़ी सी कुछ बातें जाननी है अगर हम सक्सेसिव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सक्सेसिव में जो है हम यहाँ पर दो साल का ब्याज निकालना सीखते हैं कि दो साल का ब्याज कितना होगा ठीक है फिर उसके बाद हम तीन साल का भी सीखेंगे हम चार साल का भी सीखेंगे इनमें भी हमारा रेट सेम होगा और यहाँ पर अलग अलग रेट भी होगा तो पहली बात जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा वो फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड ये हमारा फार्मूला होता है समझ गए यहाँ पे अब इस फार्मूले के माध्यम से ज़रा हम ब्याज को देखते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले साल का जो ब्याज है वो आपका दस परसेंट है और दूसरे साल का भी ब्याज जो है वो आपका दस परसेंट है तो इन दो सालों में आपने कितने प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज कमाया होगा कितना परसेंट ब्याज के तौर पर आपको मिला होगा आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है यकीन मानिए ठीक है ठीके? लेकिन वो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे तो आप इसको यहाँ पर रखो ए के जगह पर कितना रखोगे दस परसेंट बी के जगह पर कितना रखोगे दस परसेंट ठीक है प्लस यहाँ पर दस इंटू दस बटे कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा ये आप यहाँ सक्सेसिव से निकाल लेंगे तो कितना आएगा बीस जमा एक इक्कीस परसेंट का हमें यहाँ ब्याज मिलने वाला है इतने परसेंट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है समझ गए यहाँ पे इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे भाई मेरे मिलने वाला है लेकिन क्या हमेशा हम इसी तरीके से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड या हमारे तरीके भी अलग होंगे तो भाई थोड़ा डिफरेंट तरीका रहेगा और वो डिफरेंट तरीका रहेगा वो क्या समझो जैसे मानो मैं आपके सामने ब्याज के दर लिख रहा हूँ बस आप मुझे बताना कि टोटल ब्याज हमें कितने का मिलेगा उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पहले साल का ब्याज हमारा दो परसेंट है और फिर अगले साल का ब्याज हमारा दस परसेंट है या मान लीजिए छः परसेंट है तो दो सालों में ब्याज कितना मिला फिर उसके बाद ब्याज का दर हमारा तीन परसेंट है और मान लीजिए नौ परसेंट है तो दो सालों में हमें कितने का ब्याज मिलेगा ये हमारा छः परसेंट है और ये हमारा आठ परसेंट है तो हमें कितने का ब्याज मिला मान लो यहाँ पर तेरह परसेंट है और यहाँ पर जो है छः परसेंट है तो हमें कितने का ब्याज मिला मान लीजिए यहाँ पर ग्यारह परसेंट है और यहाँ पर कितना हो जाएगा और चलिए यहाँ पे दस परसेंट हम मान लेते हैं और यहाँ पर पाँच परसेंट मान लेते हैं तो हमारा ब्याज कितने का होगा सिर्फ आपको ब्याज बताना है मैंने कहा सब में देखो ब्याज पता करने के लिए ही तो सक्सेसिव को हम लेकर आए थे लेकिन क्या हमारा तरीका ऐसा था नहीं था हम तरीके से करेंगे यहाँ सक्सेसिव को बहुत ही कम और आसान तरीके से आसान भाषा में हम यहाँ समझेंगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा आज जो है मैं आपको काफी कुछ सिखाने के मूड से आया हूँ यहाँ पे तो बस मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहिएगा अगर आप डेडिकेटेड हैं और पढ़ने में काफ़ी ज्यादा एक तरीके से इच्छुक हैं तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा आज के सेशन में और बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको बस देखते रहिए यहाँ पे तो पहली बात जब आप सक्सेसिव निकालते हैं तो क्या होता है आपको दोनों को जोड़ना होता है तो आप पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो छः जमा दो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा और फिर दशमलव लगा के आप इन्हें गुना कर दीजिए आपका ब्याज निकल जाएगा दो इंटू छः कितना हो जाएगा बारह परसेंट यानी ये आपका ब्याज है ये आपका क्या हो गया मेरे भाई तो ब्याज हो गया यानी पहले दोनों को जोड़ दो और दशमला लगा के फिर दोनों को गुना कर दो ये हमारा दो बार का ब्याज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी पहले क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए ये यह आपका यहाँ का ब्याज हो जाएगा फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के यहाँ पर क्या करिए गुना कर दीजिए ये आपका ब्याज हो जाएगा फिर यहाँ अगर हम बात करें तो ये दोनों को पहले जोड़ दो उन्नीस हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है दोनों को गुना कर दो तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा हमेशा हमें ऐसे ही करना है यहाँ भी अगर हम बात करें तो पहले दोनों को जोड़ दो यहाँ पर और फिर दशमलव लगा के फिर क्या करो गुना कर दो तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा दस बचे पचास तो कभी भी अगर हम चक्रविधि ब्याज दोस्तों निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ये हमारा सीधा सक्सेसिव हो जाता है कितना दो सालों का हमें जोड़ना है और गुना करना है जोड़ना है और गुना करना है ठीक है अब इसमें दो तरह के और वैल्यूज आ जाते हैं एक कम वाले आ जाते हैं और एक ज्यादा वाले आ जाते हैं तो वो हमें कैसे टैकल करना है वो समझिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ब्याज का दर ऐसा हो कि पहले साल का जो ब्याज का रेट है वो हमारा एक है और दूसरे साल का ब्याज का दर हमारा दो है तो हमें कितना ब्याज मिलेगा ये पहले साल का ब्याज का रेट हमारा दो हो और अगले साल का ब्याज का दर हमारा तीन हो तो ब्याज कैसे मिलेगा या फिर ब्याज का दर मान लीजिए पाँच परसेंट हो और यहाँ दो परसेंट हो तो कितना मिलेगा ये तो सारे ऊपर कम वाले हैं अगर मान लीजिए ज्यादा मिल जाए हमें ब्याज तो जैसे ऐसा हो जाए कि पहले साल का रेट हमारा दस परसेंट और दूसरे साल का रेट हमारा बीस परसेंट तो हमें कितना ब्याज मिलेगा या पहले साल का रेट हमारा 20 परसेंट और दूसरे साल का रेट हमारा 30 परसेंट तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा या मान लीजिए हमारा रेट ऐसा हो जाए पहला साल 11 परसेंट और दूसरा साल 12 परसेंट तो हमें ब्याज कितना मिलेगा सारा जो खेल होता है वो ब्याज का होता है पहले हम दो सालों का सक्सेसिव सीखेंगे उसके बाद हम तीन सालों के भी सक्सेसिव पर आएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ ब्याज सीखना है कि दो सालों का हम ब्याज कैसे निकालते हैं ठीक है आइए तो चलिए यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एक जमा दो इनका सक्सेसिव कितना होगा तो पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए तो एक प्लस दो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और दशमलव लगा दीजिए फिर दोनों को गुना कर दीजिए जब आप इसको गुना करेंगे तो एक को दो से गुना करने पर कितना आता है दो आता है एक को दो से गुनाह करने पर कितना आता है दो आता है तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर दो लिख देते हैं और ये उनके सबसे बड़ी गलती होती है मैं हमेशा से कहते आया हूँ आपको दो नहीं लिखना है इस बात को समझिए आपको दो बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको यहाँ पर क्या करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए क्या लिखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर दो आता तो है लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और दशमलव लगाते हैं तो उसके बाद दो अंक होते हैं ठीक है एक इंटू दो दो होता है तो दो को हम यहां लिखेंगे सर और यहां पर हम जीरो बिठा देते हैं हम दो को जीरो दो भी तो लिख सकते हैं तीन को जीरो तीन भी तो लिख सकते हैं चार को जीरो चार भी तो लिख सकते हैं क्योंकि तीन दशमलव दो लिखने का मतलब वो बीस बन जाता है ना कि वो दो रहता है अगर मान लीजिए मैं यहां थ्री पॉइंट टू लिख रहा हूँ इसका मतलब ये थ्री पॉइंट टू जीरो है मेरे भाई यानी बीस है तीन दशमलव दो नहीं है इसीलिए दो बनाने के लिए बाकायदा आप जीरो दो बनाओ उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए यानी हो गया पाँच और फिर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा छः यानी जीरो छः लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ देखिए पहले दोनों को जोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो सात हो जाएगा और दशमलव लगा दीजिए पाँच इंटू दो हमारा कितना हो गया दस हो गया तो हम यहाँ दस बकायदा लिख देंगे यानी सेवन पॉइंट वन जीरो जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा आ जाइए यहाँ पे इस वाले का आंसर तुरंत बताइए आप लोग चलिए इसका आंसर कितना होगा ठीक है आप बोलेंगे सर पहले आपने कहा था दोनों को जोड़ने को तो बीस और दस हमारा कितना हो गया तीस हो गया फिर यहाँ दशमलव लगा देते हैं फिर क्या करते हैं गुना दस को बीस के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दो सौ हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा दो सौ हो जाएगा अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बस हमें आखिरी के दो अंक रखने हैं और इसे इसको ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि ऐसे समझ लो कि इस कमरे में मात्र दो लोग रह सकते हैं तीसरे के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है उसे वहाँ से हटाओ उसे कहीं और भेजो ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर मात्र दो लोगों को रखो और दो को उठा के इधर भेज दो तो हो जाएगा सर बत्तीस परसेंट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है आ जाइए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे बीस और तीस का कितना होगा तो पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा और फिर हम दोनों को गुना कर देते हैं बीस को तीस के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा छः सौ हो जाएगा हम यहाँ दोनों को स्थिर रखेंगे ये भाई शिफ्ट होगा इसमें क्योंकि यहाँ इनके पास जगह नहीं है और जगह नहीं है तो ये हमारा कितना हो जाएगा छप्पन परसेंट हो जाएगा मेरे भाई ठीक है आ जाओ जल्दी से बहुत शानदार आ जाइए उसी तरीके से यहाँ पर इनका सक्सेसिव एक बार देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा तो बोलेंगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए ग्यारह बारह कितना हो जाएगा तेईस हो जाएगा और एक ग्यारह को बारह से गुना करने पे कितना आता है सर एक सौ बत्तीस आता है मुझे आखिरी के दो अंक रखने हैं और एक इसे ट्रांसफ़र कर देना है तो कुल मिलाकर चौबीस का जो है वो हमारा ब्याज आएगा तो यानी ब्याज के जो रेट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पहले जो रेट हो गए दोस्तों यहाँ पर ऐसा रेट हो गया जहाँ बड़ी आसानी से आप यहाँ जोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर जहाँ शॉर्टेज पड़ जाता है कम और तीसरा जो हो जाता है वो अधिक हो जाता है इस तरीके से करके ठीक है तो हमने यहाँ तीनों बातें जान ली अगर किसी को कभी ऑफलाइन या कहीं पर भी कोई पढ़ाता हो अपने इंस्टीट्यूट में और उसे पढ़ाना भी हो तो आप भी बच्चों को इसी तरह समझाएं ठीक है कि यहाँ पर पहले इनका हम सक्सेसिव निकालते हैं इस तरीके से फिर यहाँ पर जो है पहले नॉर्मल रेट फिर कम रेट और फिर ज्यादा रेट ठीक है तो इस तरीके से हमने सक्सेसिव निकाला किसका निकाला दो टर्म्स का निकाला हम तीन साल का भी निकालेंगे और हम चार साल का भी निकालेंगे लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल देना चाहता हूँ आप उसके आधार पर जो है मुझे कुछ आंसर दीजिए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है ठीक है इसका आंसर दीजिए मुझे सी एच एस एल सात छः दो हजार बाईस पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया कहा गया यदि दो वर्ष के लिए दस परसेंट की दर से वार्षिक चक्रविधि ब्याज बयालीस सौ रुपए है तो मूलधन याद करिए मूलधन हमारा कितना होगा ठीक है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ टेन परसेंट फॉर टू ईयर इज फोर्टी टू हंड्रेड मैं हमेशा कहता हूँ सवालों में कि देखो दिया क्या है और पूछा क्या है अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि रेट हमारा कितना है दस परसेंट है समय हमारा कितना है दो साल है और जो ब्याज मिला है वो कितना है बयालीस है तो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है कि कितना रुपया हमने सामने वाले से उधार लिया था ठीक है तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या था डेटा तो रेट समय और ब्याज और पूछा क्या था प्रिंसिपल कैसे करेंगे हमें समझना पड़ेगा कि सर रेट हमारा कितना है तो रेट हमारा दस परसेंट है और समय हमारा कितना है तो समय हमारा दो साल है आप लोग मुझे बताइए दस परसेंट का दो साल का सक्सेसिव कैसे निकाला था तो याद करिए दस परसेंट और दस परसेंट तो पहले हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ दिया फिर दशमलव लगा दिया और फिर दोनों को गुनाह कर देंगे तो कितना हो जाएगा सौ ये एक उठ के यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना इक्कीस परसेंट जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि भैया हमें इक्कीस परसेंट का ब्याज मिलेगा और आप लोग तो बहुत माहिर हैं यहाँ सक्सेसिव निकालने में तो हमें ब्याज कितने का मिलने वाला है इक्कीस का तो हम सीधा बोलेंगे दस के हिसाब से दो सालों का जो ब्याज है वो कितना होगा ट्वेंटी होगा हम हमेशा कहते हैं कि सवाल में आप ये देखो दिया क्या है और पूछा क्या है जो दिया गया है बयालीस सौ वो हमारा इंटरेस्ट है ब्याज है यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो बयालीस सौ है हमारा ये मेरे भाई ब्याज है यानी कितने की वैल्यू है तो यहाँ पर ट्वेंटी वन परसेंट की वैल्यू है जितने की वैल्यू होती है ना भाई उससे डिवाइड करते हैं और जो पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं पता करना है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल पता करना है यानी प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में सौ परसेंट होता है तो सौ से मल्टीप्लाई कर देना याद रखना प्रिंसिपल कभी भी सौ परसेंट अपने आप में होता है ठीक है आ जाओ यहाँ पे परसेंट से तुम्हारा परसेंट चला जाएगा इक्कीस से कितनी बार में जाएगा दो सौ बार में और दो सौ को सौ से गुना करोगे दो डबल जीरो डबल जीरो जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर है ये बात तो आप ऐसे सवालों को बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं जब आपको पता हो यार दस परसेंट और दो साल यानी इक्कीस परसेंट 21 परसेंट की वैल्यू दी है यानी इसको 200 बार में काटेगा तो 21 परसेंट की वैल्यू यहाँ कट गई तो हमारा 100 परसेंट का मान निकालना है इसको 21 से डिवाइड करो 100 से गुना करो आंसर आ जाएगा अब इसी के साथ एक और चीज़ है जैसे बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं बट वो उनकी फिर से मैं कहूँगा जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है ठीक है चूंकि आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका हमेशा पर्पस यहाँ पर ये यह होना चाहिए कि मैं अपने लिए कितने सारे रिजल्ट याद कर लूँ और मुझे जो है औरों से कितने कम समय में सवाल करना आना चाहिए आप जैसे क्या है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप भी मुझसे पढ़ रहे हैं आपका रूममेट भी मुझसे पढ़ रहा है लेकिन आपके रूममेट के ज़्यादा नंबर तब आ सकते हैं आपके नंबर अपने रूममेट से ज़्यादा तब आ सकते हैं जब आप उससे दो बातें अधिक जाने यानी कई ऐसे जगह पर जो है हमें अपने कुछ तरीके से शॉर्ट अप्रोच हो गए या कुछ तरीके से हमें जो है यहाँ पर शॉर्ट कंसेप्ट हो गए याद करके रखने होते हैं एग्ज़ाम में दो तरह का रेट फिक्स होता है एक पाँच और एक दस इनके ऊपर सवाल सबसे ज़्यादा बनता है तो बार बार निकालने से बेहतर है कि जो चीज़ बार बार पेपर में रिपीट हो रही है क्यों ना हम उसे याद कर लें ताकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही ना तो मैं आप लोगों के लिए टेबल लिख रहा हूँ और आप इस टेबल को तुरंत याद कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये टेबल पे बार बार क्वेश्चन आता है और आज ही लिख कर जो है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज ही लिख कर अपने रूम में स्टडी टेबल में जो है वो लगा दीजिएगा सुबह शाम इसको देखते रहिएगा बढ़िया तरीके से ठीक है ताकि आपको जो है प्रॉपर वे में ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो मेरे भाई रिवाइज़ हो जाए और टेबल में क्या सीखना है तो टेबल में बस यहाँ पर यह सीखना है पाँच साल और दो साल का जो ब्याज है वो मेरे भाई ठीक है टेबल में क्या सीखना है तो टेबल में आपको ये सीखना है कि पाँच साल और दो साल देखो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे मैं आपको टेबल बना रहा हूँ ये देखिएगा तो एक तो हमारा एक तरफ रेट हो गया ये हमारा दो साल का कॉलम हो गया और ये हमारा तीन और चार साल का कॉलम हो गया आपको जो है वो ध्यान रखना है टेबल में ये कि अगर आपका रेट पाँच परसेंट हो तो ब्याज कितना होता है और दस परसेंट हो तो ब्याज कितना होता है ये जो टेबल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल है ठीक है और पेपर में सारे क्वेश्चन लगभग यू समझ लीजिए जो पांच तो परसेंट और दस परसेंट के आते हैं जहां पूरी दुनिया उसको कैलकुलेट कर रही होती है आपके माइंड में सीधा याद होगा उसके फायदे मैं आपको बताऊंगा यहां पे तो जैसे मान लीजिए कि पांच परसेंट और दस परसेंट समय की बात करें तो यहां दो साल तीन साल और चार साल तो हम आपको कहना क्या चाहते हैं हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे समझो अगर आप किसी पैसे को कहीं पर भी पाँच परसेंट के हिसाब से दो सालों के लिए निवेश करोगे वह कितने का ब्याज देगा तो सक्सेसिव हमने आपको पढ़ाया और सक्सेसिव पढ़ाया तो हमने कैसे कैलकुलेट करना सिखाया कि देखो भाई पाँच परसेंट और पाँच परसेंट का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं पहले दोनों को जोड़ देते हैं और दशमलव लगा के गुना कर देते हैं कितना आ गया टेन उसी तरीके से तीन साल का उसी तरीके से चार साल का जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो फाइनली ये वैल्यू आएगी और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है और यहाँ लिखना है कि सर पाँच परसेंट के हिसाब से दो सालों का सक्सेसिव हमारा कितना है तो वो हमारा 10.25 है समझ रहे हैं सक्सेसिव कितना है तो 10.25 है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10.25 पॉइंट परसेंट पाँच परसेंट के हिसाब से तीन सालों में कितना ब्याज मिलता है पंद्रह मेरे भाई ठीक है पाँच परसेंट के हिसाब से चार सालों का ब्याज कितना मिलता है तो इक्कीस पॉइंट पाँच पाँच हालांकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ऐसे होती है इक्कीस पॉइंट पाँच पाँच जीरो सात छः दो पाँच ये बहुत लंबी वैल्यू होती है बट हम उसे ट्रिम करके रखते हैं दस परसेंट का दो साल एकदम याद करना ही करना है उसकी कसम उसका कसम जिसका कसम सबका कसम बट याद करना है दस परसेंट के हिसाब से तीन सालों में कितना ब्याज मिलता है तैंतीस और दस के हिसाब से चार सालों में जो ब्याज मिलता है वो फोर्टी मिलता है तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में पाँच परसेंट के सारे वैल्यूज आप लोग खुद से टाइप करके लिखो ताकि याद हो और एक बार दस परसेंट के सारे वैल्यूज खुद से टाइप करके लिखो ताकि आपको याद हो मिस कुछ आउट नहीं करना है आपको ठीक है तो ये आपके हो गए याद है बताओ बिना देखे पाँच परसेंट साल इसको उठा के फिर बाहर ले जाओ इसको ले जाओ इसको। ये 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 स्टूडेंट नहीं है मेरा ये ऐसे ही है हाँ तो मैं पाँच का मैंने चार साल पूछा था हाँ किस बचपन है भूल गए पहली बार में ठीक है नहीं तो दस कैसे हो जाता है मतलब है शादी करोगे तो पत्नी से करोगे ना कि साली से करोगे ये बताओ पहले ऐसे थोड़ी होता है बताइए भाई साहब दस का पाँच का पूछ रहे हैं दस का बता रहे हैं गलत है ना और क्या ठीक है तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखना है तो यहाँ दो साल तीन साल चार साल बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे 10.25, 15.7625, 21.55, फिर यहाँ इक्कीस परसेंट तैंतीस दशमलव चालीस दशमलव चार इसके बहुत फायदे होते हैं जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ठीक है आप मुझे डायरेक्ट इसका आंसर बताइएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप लोग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ठीक है <laughs> तो क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10 परसेंट ब्याज की दर से तीन वर्षों का चक्रविधि ब्याज तेरह सौ चौबीस है राशि ज्ञात करिए तीन वर्षों का ब्याज दे दिया अभी मैंने आपको तीन साल का यहाँ सक्सेसिव सिखाया नहीं है कि सिखाया ये ये मतलब कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं बट अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसिव नहीं भी पता तीन सालों का कैसे निकालते हैं लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दस के हिसाब से तीन सालों का ब्याज कितना होता है तो बहुत सही से आंसर आप दे सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया रेट दस परसेंट समय तीन साल ब्याज इतना तो जरा फोकस करो क्वेश्चन में क्या है फोकस करो क्वेश्चन में क्या है है 10 है रेट कितना समय कितना है तीन साल है और ब्याज हमारा कितना है तो ब्याज हमारा तेरह सौ चौबीस है हमने अभी आपको टेबल में याद करवाया कि दस परसेंट के हिसाब से तीन सालों का ब्याज कितना होता है तो देखिए यहां के हिसाब से तीन सालों का ब्याज तैतीस दशमलव एक होता है और प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि दस परसेंट के हिसाब से तीन सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा तैंतीस दशमलव एक परसेंट मेरे भाई कितना मिलेगा तो तैंतीस दशमलव एक परसेंट का ब्याज मिलेगा तो हम कहेंगे भैया देखिए बात ऐसा है ये जो तेरह सौ चौबीस है ये हमारा ब्याज ही तो है तो जितने परसेंट का मान है उतने परसेंट से हम इसे डिवाइड करेंगे क्या पता करना है पैसा पता करना है सम पता करना है सम पता करना है तो इसे सौ से गुना कर दो दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाओ जीत आ जाएगा ये काटेगा का कितनी बार में पता है चार बार में तो सीधा का सीधा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा चार इंटू हजार यानी चार हजार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें बताना क्या है जैसे एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया मैं खुद से आपको लिख के दे रहा हूँ और इसी सीआई के टेबल के ऊपर उठ के आया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सवाल में आपको ये कहा गया कि देखो भाई बात ऐसी है तुम्हारे पास एक हज़ार हैं ठीक है रेट जो है वो तुम्हारा कितना है तो रेट तुम्हारा पाँच है और समय तुम्हारा कितना है दो साल है चलो जल्दी से बता दो ब्याज तुम्हें कितने का मिलेगा ठीक है तुरंत यहाँ बताओ ब्याज कितने का मिलने वाला है ठीक उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया उसमें पूछा गया कि प्रिंसिपल हमारा दस हजार रुपए है और रेट जो है वो हमारा पांच परसेंट ही है समय जो है वो हमारा तीन साल है और हमसे यहाँ पूछा गया बताइए अमाउंट जो होगा वो कितना होगा एक में ब्याज पूछा है दूसरे में अमाउंट पूछा है मिश्रधन पूछा है आपको बताना है बताइए आप क्या बोलेंगे बहुत ही आसान सवाल आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है कि मेरे पास पैसा कितना है हज़ार रेट कितना है पाँच समय कितना है दो साल और हमें क्या पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पाँच के हिसाब से दो सालों में पांच परसेंट के हिसाब से दो सालों में कितने का ब्याज मिलता है अभी याद करवाए थे पीछे टेन पॉइंट टू फाइव कितने का मिलता है टेन पॉइंट टू फाइव का ब्याज मिलता है क्लियर है ये बात यहाँ पे ठीक है पचास सौ कहते हैं ठीक है तो कितने का ब्याज मिलेगा 10.25 का दस दशमलव दो पांच का ठीक है अब जैसे मान लीजिए कि 10.25 का हमें ब्याज मिलेगा यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहा गया वो वैल्यू कितनी होगी तो हम बोलेंगे दिया क्या है तो प्रिंसिपल यानी ये जो हजार रुपए हैं ये हमारा मूलधन का मान है यानी ये हमारा सौ परसेंट का मान है और हमें कैलकुलेट क्या करना है 10.25 का मान यानी 10.25 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम देखिएगा जरा ये कैसे करेंगे इसका दशमलव हटाएंगे नीचे कितना अंक आ जाएगा दो दो और दो चार्थ चार्थ चार से चार खत्म आंसर हमारा हो जाएगा एक हज़ार पच्चीस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कितना हो जाएगा एक हज़ार पच्चीस एक बच्चा कह रहा है ट्री मेथड बताइए ट्री मेथड के बिना हम आपको कंप्लीट कंपाउंड सिखा देंगे ट्री मेथड की एक परसेंट भी कहीं पर जरूरत नहीं होगी ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा ठीक है आ जाइए सेम तरीके से पाँच परसेंट का तीन साल का जो सक्सेसिव है वो हमारा कितना है तो बोलोगे सर ये सक्सेसिव पंद्रह दशमलव सात छः दो पाँच परसेंट है ठीक है हमसे अमाउंट पूछा गया है प्रिंसिपल नहीं पूछा गया अब इस बात को ध्यान रखना जो मिश्रधन होता है वो यहाँ पर क्या होता है तो मिश्रधन की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रधन का हमारा हो जाएगा वैल्यू प्रिंसिपल जमा ब्याज प्रिंसिपल अपने आप में सौ परसेंट और ब्याज मिल गया दस परसेंट तो मिश्र धन कितना हो जाएगा एक सौ दस हो जाएगा ठीक है समझ गए यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमें दिया क्या है तो मूलधन दिया है यानी ये मूलधन कितना है दस हज़ार और ये मूलधन अपने आप में कितना परसेंट है तो सौ परसेंट है हमें यहाँ क्या पूछा गया है तो हमसे यहाँ अमाउंट पूछा गया है यानी हमसे यहाँ पर पंद्रह दशमलव सात छः दो पाँच का मान हमसे पूछा गया है अगर हम दशमलव हटा दें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे ज़ीरो चार जीरो आ जाएंगे ये ख़त्म कर देंगे इसको उसके बाद इसको अगर आप सौ से भाग करोगे तो पंद्रह सौ छिहत्तर दशमलव दो पाँच का आपको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा भाई क्लियर है कितना होगा तो पंद्रह का जो है वो हमें वैल्यू मिलेगा तो हमें यहाँ फोकस सॉरी अमाउंट था ना माफ करिएगा यहाँ पर ये यह, ये अमाउंट था तो अमाउंट था तो हमें यहाँ किससे गुना करना है अमाउंट है तो हमें यहाँ पर जो है वो देखना समझना मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये हमारा प्रिंसिपल दिया गया था दस हज़ार रुपये और ये मूलधन है तो मूलधन है तो किससे भाग करोगे सौ से आपसे पूछा क्या गया है अमाउंट अमाउंट का मतलब हमेशा होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज यानी मूलधन अपने आप में सौ परसेंट और जो ब्याज होगा वो होगा इतना सौ में इतना जोड़ दो सौ में इतना जोड़ दो तो कितना हो जाएगा एक दशमलव सात छः दो पाँच दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया और यहाँ दो जीरो दशमलव को दो दाहिने साइड घसका देगा यानी वन वन फाइव सेवन सिक्स पॉइंट टू फाइव ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये हमारा सही उत्तर है कि एक एक पाँच सात छः एक, एक पाँच सात छः मेरे भाई दस हज़ार मूलधन है हज़ार रुपये नहीं है इस बात को ध्यान दीजिए तो ये दो जीरो दशमलव को दो साइड राइट में घसकाएगा दो अंक बाद घसकाएगा उधर लेकर जाएगा यानी हमारा आंसर इतना हो जाएगा ये सारी की सारी बातें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है ऐसे ही जैसे मैंने दो साल दिया और तीन साल दिया ऐसे ही एग्ज़ाम में चार साल भी आ सकता है

आंसर सभी को देना है आंसर नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिए आंसर देने से आपके अपने कंसेप्ट ही क्लियर होंगे आपकी अपनी चीज़ें ही बेहतर होंगी तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते रहिएगा अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कितना हो गया तो देखिए हमसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया तो हम यहाँ कैसे बताएंगे समझिएगा मेरी बात को तो आप ज़रा रेट को देखो मेरे भाई रेट आपका कितना है तो रेट आपका आठ परसेंट है और समय को देखो तो कितना है दो साल है याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे आज से हज़ार साल पहले क्या पढ़ाए थे आठ परसेंट और आठ परसेंट यहाँ पे। पहले क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया सोलह और फिर यहाँ क्या करते हैं गुना कर देते हैं तो यानी चौंसठ यानी साफ लफ्ज़ों में आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसके चलते हमें ब्याज कितने का मिलेगा सोलह का हमें ब्याज मिलने वाला है ठीक है अब हमने कहा कि वट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो दस हजार छः सौ पच्चीस दस हजार छः सौ पच्चीस ये हमारा क्या है तो ये हमारा प्रिंसिपल है ठीक है यानी ये कितने की वैल्यू है सौ की वैल्यू है और हमें पता क्या करना है तो हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है यानी हमें सोलह दशमलव छः चार का मान पता करना है भाई तो देख लीजिए प्रिंसिपल का मान दिया है ब्याज का मान हमें पता करना है आसान भाषा में हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे अब आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होगा जरूरी नहीं होता ऑप्शन में यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया हो ठीक है कोई यहाँ पर फिक्स नहीं होता राउंडेड ऑफ भी वैल्यू दी दी जा सकती दी जा सकती सकती है, है, एग्जैक्ट भी वो आपके तो तो आप तो आप सौ तो बासठ हो गया दो बार पचास बारह यानी पांच बार में इतना हो जाएगा अगर हम वापस से काटते हैं पच्चीस से तो पच्चीस का एक गुना हमारा पच्चीस पच्चीस से पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा तो 25 से हमारा उनने देखो 25 का एक गुना पच्चीस हो गया यहाँ पे और 175 25 पच्चीस से कितनी बार में सात बार में भाई क्लियर है ये बात है यहाँ पर और 25 से कितनी बार में चला जाएगा चार बार में जाएगा 25 से कम पच्चीस सात सत्रह एक सौ पचहत्तर ठीक है सही है अब ये देखो 16 से आप चार और चार 16 16 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा एक बार में और चार बार में अब मुझे 104 को 17 के साथ गुना करना है कुछ नहीं सत्रह सौ इंटू सौ सत्रह और सत्रह चौके अड़सठ यानी सत्रह सौ अड़सठ हमारा आंसर आ जाएगा देखो अब मैं इसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगा कि इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पर किया जा सकता था पहली बात यहाँ समझो सत्रह को चार से गुना करने पर अड़सठ आया और सत्रह को सौ से गुना करने पर सत्रह सौ आया हो गया शॉर्ट में कैसे किया जा सकता वो समझिए देखिए आपके ऊपर डिपेंड होता है सारा खेल आपके आसपास ही चल रहा होता है वो आपको समझना होता है कि आप उसको खेलते किस तरीके से हैं ठीक है ठीके? मतलब बैट्समैन के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई साहब बाउंड्री लगेगी यानी बॉलर के ऊपर नहीं होता बॉलर तो हर बॉल अच्छी कराने की कोशिश करता है वो तो चाहते ही हर बॉल पर विकेट मिले वो चाहेगा कि बॉल पे और कर डालू बाउंसर डालो कुछ ऐसा विकेट अब वो बैट्समैन का खेलने का तरीका होना चाहिए कि कि वो बाउंड्री लगा रहा है कि आउट हो के आ रहा है 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 आउट आ ठीक जब इंडिया टीम पाकिस्तान के खिलाफ जो है खेल रही थी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े बड़े धुरंधर जो हैं आउट होकर आ रहे हैं रोहित शर्मा जीरो पे आउट विराट कोहली आउट और भैया एक नया लड़का जाता है हार्दिक पांड्या और ऐसी तैसी करके चला आता है उसी बॉलर की उसी पिच पर उसी दिन उसी समय उसी खेल में और वो भी छठे विकेट पर तो आप जरा सोचिए तो ऐसा नहीं है बैट्समैन के ऊपर का होता है कि भाई वो कैसे खेल रहा है सेम तरीके से एग्जाम्प

यानी सोलह दशमलव छ चार का सबसे मन में आपके मन में पहला विचार ही आना चाहिए डिजिटल सम ठीक है समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे कि जब भी आप ऐसा लंबा गुना करो ना तो गुना बना ही नहीं है गुना करने के लिए यहाँ तो डिजिटल सम लगाना है अब डिजिटल सम लगाने का मतलब आठ और एक नौ खत्म कर दीजिए डिजिटल सम का मतलब मात्र इतना ही अंकों को जोड़ देंगे ठीक है सात और छ तेरह तेरह को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा चार यानी पहले वाले ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो हमारा चार है दूसरे वाले पर आते हैं आठ और एक नौ खत्म नौ ख़त्म इसका डिजिटल सम कितना हो गया छः तीसरे वाले पर आते हैं छः दो आठ और एक नौ खत्म कितना हो गया पाँच ठीक है यहाँ आते हैं आठ और एक नौ खत्म पाँच दो कितना हो जाएगा सात क्या आपके सारे के सारे डिजिटल सम अलग हैं जी हाँ बिल्कुल अलग है तो भैया वेट किस बात का है लगा दो ना डिजिटल सम यहाँ पे यहीं पर सॉल्व करो आ जाएगा आंसर तुम्हारा ठीक है करना कुछ भी नहीं है फिर यहाँ भी छः दो आठ और एक नौ खत्म मात्र बच गया पाँच यहाँ पे उसके बाद छ और चार दस दस और एक एक ग्यारह ग्यारह और एक छः सत्रह सत्रह को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा आठ को पांच से गुना करो कितना होता है आठ पच्चीस चालीस चालीस का मतलब कितना चार कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आंसर टिक करिए और ये प्रोसेस तो आप बहुत फास्ट में कर पाएंगे मैं तो समझाने के लिए आपको लिखता हूँ यहाँ पे तो डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ देना यहाँ क्लियर है तो इसीलिए मैंने कहा दम बॉलर में नहीं होता दम बैट्समैन में होता है ठीक है तो दम एग्जामिनर में नहीं होता दम स्टूडेंट में होता है कि यहाँ पर उस सवाल को वो कैसे सॉल्व कर रहा है दुनिया के लिए सीआई कैलकुलेटिव हो सकती है आपके लिए सीआई कभी कैलकुलेटिव नहीं हो सकती untill and unless आपको सॉल्व करने के तरीके पता ना हो तो ठीक है अभी हमारे पास एट मंथली फाइव मंथली सब का यहाँ पर क्वेश्चन है और सबके सवालों को हम यहाँ बनाने वाले हैं ठीक है तो आ जाइए अब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं थोड़ा मुझे उसके ऊपर भी आंसर दीजिएगा आप लोग तब तो थोड़ा मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा आप लोगों के तरीकों से ठीक है अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन इतना था हमारा कि हमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया देखिए बात ऐसा है ठीक है क्वेश्चन हमारा ये था कि आपके पास पैसा हमने दिया है और पैसा हमने कितना दिया है एक हजार सॉरी दस हजार रुपये दिया है रेट जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं वो तेरह परसेंट का रेट हम आपसे ले रहे हैं और समय जो हम आपसे ले रहे हैं वो दो सालों का रेट हम आपसे ले रहे हैं या दो सालों का समय हम आपसे ले रहे हैं तो मुझे बताइए यहाँ पर कि दो सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो हमने यहाँ कहा सर ठीक है समझिएगा पहली बात को कि इन दो सालों में हमें सक्सेसिव कितने का मिलेगा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स आंसर दे देना तो हमने कहा सर तेरह परसेंट के हिसाब से दो सालों का सक्सेसिव। तो पहले यहां तेरह है और तेरह है पहले तो यहाँ दोनों को जोड़ दो जोड़ दिया तो कितना आ गया 26 फिर दशमलव लगा दो और फिर यहाँ क्या कर दो पहले दोनों को जोड़ दो तो 26 दशमलव लगा के दोनों को गुना गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 169 सिक्सटी वन इसे ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा 27.69 परसेंट इतना परसेंट का हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा तो हम यहाँ क्या कहेंगे तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये जो ब्याज है वो हमारा कितना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट का जो है वो हमारा ब्याज है क्लियर है ट्वेंटी 99.69 लेकिन याद रखो दोस्तों ये तो आपका परसेंट है वैल्यू तो नहीं है हमें वैल्यू चाहिए हम क्या कहेंगे हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये जो दस हज़ार रुपये है ना ये दस हज़ार रुपये हमारा मूलधन है यानी सौ का मान है और हमें क्या चाहिए तो ब्याज चाहिए यानी सत्ताईस का हमें ब्याज कैलकुलेट करना है ठीक है दो जीरो से दो ज़ीरो ख़त्म और ये दो ज़ीरो दशमलव को दो अंकों के दूर तक लेके जाएगा इनको जो है देखो एक ज़ीरो एक को भेजेगा और दूसरा यहाँ दूसरे को भेजेगा यानी ऐसे समझ लीजिए दो ज़ीरो है तो दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन सिक्सटी नाइन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेवन सिक्स नाइन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है अब ये तो हमने सीखा चलो दो साल का ब्याज कैसे निकालते हैं मान लीजिए किसी के मन में इच्छा हो तीन साल के ब्याज निकालने की किसी के मन में इच्छा हो चार साल के ब्याज निकालने की हम उसे भला कैसे रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं तो हमें वो भी यहाँ पर देखना है अब वो देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे समझो तो हमें यहाँ सीखना है अब सक्सेसिव तीन सालों का ठीक है अब दो तरह के सक्सेसिव आप लगा सकते हैं तीन सालों में सक्सेसिव जो है वो हमारा कितना हो गया तो फोर थ्री इयर्स अब तीन सालों में कहानी कैसे होती है वो समझो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए पहले साल का ब्याज का दर दस है दूसरे साल का ब्याज का दर बीस है तीसरे साल का ब्याज का दर हमारा तीस परसेंट है हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है तीन सालों में कुल मिलाकर हम जो है कितना ब्याज कमा सकते हैं आपने कहा असर समझिएगा पहले पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव लीजिए इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो क्या होगा इन दोनों का सक्सेसिव निकालने का तरीका कि दस और बीस का सक्सेसिव कि पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं तो दस जमा बीस या ऐसे भी कह लो सर टेन प्लस ट्वेंटी और प्लस टेन इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ये भी तो एक तरीका है तो इस तरीके से जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 और दो बत्तीस परसेंट आ जाएगा तो बत्तीस परसेंट आ जाएगा यहाँ पर तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ठीक है समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे अब मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ ना तो ये 32 परसेंट और 30 परसेंट की बात कर रहा हूँ तो तीन सालों का जब भी आप सक्सेसिव निकालते हैं पहले दो लोगों का सक्सेसिव निकाल दीजिए और फिर उसको भिड़ाइए तीसरे के साथ ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास तीन टीमें हैं और आपको एक को विजेता घोषित करना है आप कैसे करेंगे पहले बोलेंगे भाई इन दोनों को लड़ाओ जो जीतेगा उसको तीसरे के साथ भिड़ा देंगे यहाँ पर हो गया दंगल यहाँ पे तो अब मुझे जो है इन दोनों को भिड़ाना है तो हम कैसे लगाएंगे तो बोलेंगे सर बत्तीस जमा तीस और प्लस यहाँ पे बत्तीस इंटू तीस बटे सो हमेशा इस बात को ध्यान रखना तो अगर हम बात करेंगे बत्तीस और तीस कितना हो गया बासठ बत्तीस का तीन गुना छियानवे छियानवे बटे दस कितना हो जाएगा तो नाइन पॉइंट सिक्स हो जाएगा भाई क्योंकि ये देखो नाइन्टी सिक्स पॉइंट टेन का मतलब ही हो गया नाइन पॉइंट सिक्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो बासठ और नौ इकहत्तर दशमलव छः जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा तो इतने परसेंट हमें ब्याज मिलेगा ठीक है इकहत्तर दशमलव जीरो छः नहीं इकहत्तर दशमलव छः होगा ठीक है तो हमारा जो तरीका होता है वो सक्सेसिव निकालने का यही होता है कि कभी भी किसी भी तीन सालों का हम सक्सेसिव निकालें तो पहले दो का सक्सेसिव निकाल के उसको तीसरे के साथ हम मैचअप कर दें तो एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं सिंपल सा पहले तो आप लोग सालों का सक्सेसिव निकालना सीखो तो जैसे मानो पहले साल का रेट तीन दूसरे साल का रेट चार और तीसरे साल का रेट दस मुझे बताइए यहां पर इन तीन सालों में आपको कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा बस अभी आपको सक्सेसिव निकालना हम सिखा रहे हैं यहाँ पर इन तीन सालों में आपको ब्याज कितने का मिलेगा जल्दी बताइए आप यहां भूलेंगे सर बहुत आसान काम है ठीक है कैसे ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले यहां पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे पहले दोनों को जोड़ देते हैं फिर दशमलव लगाते हैं फिर दोनों को गुना कर देते हैं इतना आ गया ठीक है और फिर मुझे इसका इसके साथ सक्सेसिव लगाना है यानी 7.12 को 10 परसेंट के साथ तो तरीका क्या होगा 7.12 प्लस हमारा 10 और प्लस यहाँ पर पॉइंट वन टू इंटू टेन कितना हो जाएगा इंटू हंड्रेड हो जाएगा भाई ख़त्म हो गया बात यहाँ पे अगर आप देखोगे सात में दस जोड़ दोगे तो सत्रह दशमलव एक दो और हम इस संख्या को दस से भाग कर देंगे तो मेरे भाई जीरो

गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं सत्रह दशमलव आठ तीन दो जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा सही तरीका है आप लोगों ने पता है क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर इसको जोड़ दिया ऐसे नहीं करना था ध्यान रखना था चार और तीन सात चार और तीन बारह हो गया फिर उसके बाद इसको दस परसेंट के साथ लगाना है तो पहले इसे लिखा फिर उसे लिखा फिर दोनों का प्रोडक्ट दस और सात हमारा सत्रह हो गया और यहाँ गुना करके सौ से भाग यानी ज़ीरो यानी 17.832 पॉइंट एट थ्री टू परसेंट यही गलती है कि हम आप लोगों में करेक्ट करना चाहते हैं मैं तुरंत आप लोगों को लेके बहुत बड़ी उड़ान नहीं भरना चाहता कि यार प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ ये करो वो करो वो करो भाई पहले कंसेप्ट सीखो कि ब्याज निकालते कैसे हैं क्वेश्चन तो लगा ही लोगे मुझे इतना यकीन है आप लोगों पे कि एक बार जब आप लोगों ने ये सीख लिया कि ब्याज को निकालना कैसे होता है उसके बाद आप लोग छोड़ने वाले हो नहीं छोड़ोगे यहाँ पे तो चलो बताओ जल्दी से दो तीन और पाँच का सक्सेसिव कितना होगा अगर मान लीजिए पहले साल का ब्याज का दर दो परसेंट है दूसरे साल का तीन परसेंट है तीसरे साल का पाँच परसेंट है तो कुल मिलाकर तीन सालों में आप कितना ब्याज कमा पाएंगे बताइए ठीक है एक बच्चा कहता है थोड़ा एनर्जी से बोलिए भैया देखो हम यूट्यूबर नहीं हैं कि चिल्ला चिल्ला के बोलें शिक्षक हैं पढ़ाते हैं अपने तरीके से अपने अंदाज़ में और वो अंदाज़ होता है कि जिससे बच्चों को हम समझा पाए ठीक है तो इसीलिए लिए यहाँ पर जो है यही तरीका होता है सुबह भी देखोगे इसी अंदाज़ में क्लास लेंगे रात में देखोगे यही अंदाज़ रहता है यहाँ पे और हमारी एनर्जी भी यहीं है ये यह मत सोचिए कि थक गए हैं हार गए हैं यो गए चिल्लाने से पढ़ाने को रिलेट नहीं किया जा सकता है पढ़ाने की एक अपनी शैली होती है ठीक है कभी देखा विकास देवी कीर्ति सर को चिल्लाते हुए है? हर वक्त हर अंदाज सुबह क्लास ले लो रात ले लो एक ही अंदाज रहता है बड़े टीचर्स को देखो अच्छे टीचर्स को देखो ठीक है यूट्यूबर वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ पर इन दोनों को जो है पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाइए तो पहले दोनों को जोड़िए दो और तीन कितना हो गया तो पाँच हो गया उसके बाद इन्हें गुना करिए तो दो को तीन के साथ गुना करेंगे जीरो छः आएगा याद रखना कहा था ना फाइव अब मुझे जो है यहाँ पर इसका सक्सेसिव लगाना है और किससे के साथ लगाना है पाँच के साथ तो भाई यहां पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो समझिए तो पहले हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5.06 पॉइंट जीरो सिक्स प्लस यहाँ पर फाइव और प्लस यहाँ पर वापस 5.06 पॉइंट जीरो सिक्स इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे तो पहले आप दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 10.06 हो जाएगा भाई उसके बाद यहाँ समझना आप ऐसे समझो भूल जाओ मोमाया जैसे मानो दशमलव हटा दिया नीचे दो और जीरो आ गए पाँच का पाँच गुना पाँच का पांच गुना पच्चीस सौ का पाँच गुना तीस वहाँ ये पच्चीस सौ तीस आ गया और पच्चीस सौ तीस को हमने यहाँ पर दस हज़ार से भाग कर दिया भाई ज़ीरो से हमारा ज़ीरो ख़त्म तो कुल मिलाकर क्या हो गया तो कुल मिलाकर हो गया टेन पॉइंट जीरो सिक्स और दो सौ तिरपन को हज़ार से भाग किया तो जीरो पॉइंट टू फाइव थ्री ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो दस पच्चीस और छः इकतीस यानी दस पॉइंट तीन सौ तीन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा यानी बस अभी ब्याज बताइए तो ब्याज आपका इतना परसेंट हो जाएगा ठीक है भाई हाँ बिल्कुल देखिए एक चीज़ आप लोग भूल जा रहे हैं और वो ये कि पढ़ते पढ़ते आप बातों में इतने लीन हो चुके हैं इतने लीन हो चुके हैं कि लाइक करना ही भूल गए भैया आप ही की वीडियो है आप ही का चैनल है ठीक है लाइक भी करेंगे तो आपको अपना ही चैनल अपने ही वीडियो पर प्राउड होगा कि चलो जो वीडियो हमने देखी उस पर इतने लाइक्स हैं ठीक है आ जाइए अब हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे मानो जो सक्सेसिव आपने सीखा और ये सक्सेसिव हमने सीखा कितना तीन साल का लेकिन इसमें जो रेट आप सीख रहे थे ना वो रेट सारे के सारे अलग थे मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जैसे मानो अलग अलग रेट थे तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया सोचिए अगर एक रेट हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले साल का भी ब्याज पाँच दूसरे साल का भी ब्याज पाँच तीसरे साल का भी ब्याज पाँच या फिर यहाँ जो है पहला दस दूसरा दस तीसरा दस पहला बीस दूसरा बीस तीसरा बीस तो ये जो अलग अलग जैसे मानो तीनों साल के रेट अगर हमारे सेम आ जाते हैं तो हम ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए पहले साल का भी ब्याज तीन दूसरे साल का भी ब्याज तीन तीसरे साल का ब्याज भी भी कैसे कैलकुलेट होगा मेरे भाई तरीका है ठीक है यहां पे मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं रामबान फॉर्मूला आप उससे याद कर सकते हैं अगर आपको तीन सालों का सक्सेसिव लगाना है ना तो यहां पर थ्री ए फिर उसके बाद यहां आ जाता है थ्री ए स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर मेरे भाई आ जाता है एक क्यूब और यहाँ इन दोनों को जो है दशमलव देखो यहाँ पे कितना दिया जाता है तो एक अंक एक दिया जाता है बोलोगे कहाँ से आया जो आप सक्सेसिव सीख रहे थे ना वहीं से आया है जो तीन साल का सक्सेसिव सीख रहे थे वहीं से मेरे भाई आया है कुछ मत करिए बस आप यहाँ एक जगह वैल्यू रख दीजिए तो ये एग्जाम्पल था आप देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पर क्या करिए एक जगह पर तीन रखिए तो तीन का क्यूब कितना हो जाता है तीन का क्यूब सत्ताईस हो जाता है तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ नौ कितना हो जाएगा तो ये भी सत्ताईस हो जाएगा और तीन इंटू तीन कितना हो जाएगा नौ no. लो मेरे भाई एक सेकंड में आंसर आ गया तुम्हारा नाइन पॉइंट टू सेवन टू सेवन परसेंट इज द करेक्ट आंसर यानी अगर मुझे तीन परसेंट के हिसाब से तीन सालों का तीन परसेंट के हिसाब से जैसे पहले साल का ब्याज दूसरे का तीसरे का ब्याज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पता करना है मैं कैसे करूँगा मैं सीधा बोलूंगा सर ये मेरा फॉर्मूला है और इस फार्मूले में की वैल्यू रखेंगे तीस सत्ताईस सत्ताईस नौ ये सीधा सीधा मेरे भाई निकल के आ जाएगा क्या तीन परसेंट में सिर्फ एक ही रेट पर प्रैक्टिस करें नहीं मैं आपको दो तीन रेट प्रैक्टिस कराता हूँ सभी रेट्स को आप सीखें यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए ठीक है हमारा क्या हो गया यहाँ पर पहला तीन फिर दूसरे साल का ब्याज भी तीन तीसरे साल का ब्याज भी तीन तो बताइए तीन परसेंट पर ही सीखेंगे बिल्कुल भी नहीं पहला साल चार दूसरा भी चार तीसरा भी चार बताइए पहला हो गया हमारा पाँच दूसरा भी हो गया हमारा पाँच और तीसरा भी हो गया हमारा पाँच बताइए आगे हमारा हो गया पहला छः दूसरा छः तीसरा छः जल्दी से बताइए मैं आपको काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा बस यहाँ सक्सेसिव सीख गए तो हम आपको उड़ा के लेके चलेंगे हाफ मंथली सिक्स मंथली सेवन मंथली इन सब कंसेप्ट बस मेरे भाई मेरे मुन्ना अभी बस यहाँ पर जो है आप लोग ये सीख लो कि यहाँ ब्याज निकालते कैसे हैं ठीक है तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बताया थ्री ए कॉमा थ्री ए स्क्वायर ठीक है और यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा समझ गए मेरी बात को यहाँ पे ये यह ध्यान रखना है इसका मतलब यहाँ दो अंक देंगे इसका मतलब यहाँ दो अंक देंगे क्लियर है अब जरा समझिए इस बात को लेकर सारे पॉइंट पर हम लोग यहाँ वैलिड हैं सारे सत्य हैं सारे के सारी बातें बस हमें वैल्यू रखना है मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार और सिखाता हूँ तीन वाला कंसेप्ट तीन यहाँ रखो तीन का क्यूब कितना हो जाएगा सत्ताईस तो यहाँ सत्ताईस लिख दो यहाँ तीन का स्क्वायर नौ नौ इंटू तीन कितना हो जाएगा सत्ताइस वो लिख दो और तीन का तीन गुना कितना हो जाएगा नौ ये तुम्हारा हो गया है मेरे भाई क्या तो ये तुम्हारा हो गया है ब्याज यानी तीन सालों में कितना ब्याज कमाओगे नाइन कमेंट बॉक्स में लिखो तभी याद होगा नहीं लिखने से याद नहीं होगा देखता तो हर कोई है लिख लिया तो याद हो गया भाई जहाँ पर दिमाग की जगह हाथ चल जाता है ना यूँ समझ लीजिए कि वो फिक्स है हो चुका है माइंड में हाथ चार यहाँ रखो चार का क्यूब कितना हो जाएगा चौंसठ ठीक है चार का स्क्वायर सोलह सोलह इंटू तीन कितना हो जाएगा अड़तालीस ठीक है और चार इंटू तीन कितना हो जाएगा बारह यानी ट्वेल्व पॉइंट फोर एट सिक्स फोर परसेंट ये हमारा ब्याज हो जाएगा भाई ठीक है आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पाँच के बारे में बात करते हैं पाँच का पहली बात क्यूब अब पाँच का क्यूब हो गया आपका 125 ठीक है पाँच का स्क्वायर 25 25 इंटू तीन कितना हो जाएगा पचहत्तर हो जाएगा और पाँच इंटू तीन कितना हो जाएगा पंद्रह हमने यहाँ पर कहा था मात्र दो अंक यानी जब आपने पाँच का क्यूब किया 125 ये आ गया इसमें मात्र दो को रख सकते हैं ठीक है तो मात्र दो को रख सकते हैं तो ये बेचारा एक क्या करेगा तो ये पड़ोसी के घर चला जाएगा बीबी ने इसको अपने घर से निकाल दिया बोला हमारे पास जगह नहीं है तुम भागो यहाँ से तो इसको एक को भेज दिया अब एक को भेज दिया तो ये क्या हो गया पंद्रह और एक इसके पास आ गया तो हो गया हमारा सेवन सिक्स टू फाइव परसेंट ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया तो ब्याज हो गया क्लियर है इस बात को यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं छ और छः ठीक है तो पहली बात यहाँ छः रखिए तो छ का क्यूब कितना हो जाएगा वापस से दो सौ सोलह हो जाएगा ठीक है यहाँ देखिए छः का स्क्वायर छत्तीस छत्तीस का तीन गुना कितना हो जाएगा एक सौ आठ याद रखिएगा मात्र दो अंक रख सकते हैं इसे भेजना पड़ेगा मात्र दो अंक रख सकते हैं यहाँ पर और छः का तीन गुना कितना हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा तो मेरे भाई मात्र दो अंक रख सकते हो तो दो को इधर भेजो ठीक है तो पहले इसके यहाँ दो अंकों को रखो एक जब अपने पास दो रखेगा 110 बन जाएगा और 110 के मात्र हमें आखिरी के दो अंक रखने हैं यानी दस रखने हैं फिर ये एक और फिर ये एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो 18 और एक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा मेरे भाई यानी 19.16 या परसेंट ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ठीक है सोलह का सोलह आ चुका है दो इसके पास चला गया एक सौ दस बन गया एक सौ दस का आपने दस रखा एक इसे ट्रांसफ़र कर दिया उन्नीस पॉइंट वन जीरो वन सिक्स परसेंट तो हमें इतने परसेंट का ब्याज मिल चुका है तो कभी भी भविष्य में अगर मान लीजिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे यानी आपको इतने इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है ठीक है समझ गए यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा बस फिर उसके बाद हम यहाँ सीखेंगे कि अगर छः माह ब्याज आता जाता है दो माही ब्याज आता जाता है चार माह ब्याज आता जाता है पाँच माह ब्याज आता जाता है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहली बात समझिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है और पैसा मेरे पास कितना है दस रुपया है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेट मेरे पास कितना है तो रेट मैंने आप लोगों को कहा कि भैया रेट जो है मान लीजिए चार परसेंट है और समय कितना है तो समय हमारा तीन साल है इन तीन सालों में हमारा ब्याज कितने का होगा बस हमें यह बता दिया जाए और हमारा अमाउंट कितने का होगा हमें यह बता दिया जाए बताइए तीन सालों में यहाँ पर कितना होगा जल्दी से बताइए ठीक है जल्दी से बताइए आप लोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमें तो कंसेप्ट सिखाना है आप लोगों को और कंसेप्ट किंग बनाना है कि सवाल कैसा भी हो उड़ा दें आप लोग ही निकालना नहीं पता तो कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ इंपॉर्टेंट बाद में सवाल है यार पहले तो कंसेप्ट है क्लियर है ये बात यहाँ पे चलो तो क्या बोलोगे बोलोगे सर देखिए चार परसेंट के हिसाब से तीन सालों में पहली बात तो फॉर्मूला थ्री ए और यहाँ थ्री ए स्क्वायर और यहां पर ए याद रख लेना है मेरे भाई ये फॉर्मूला ठीक है अब मानो यहाँ चार की बात करते हैं चार का क्यूब कितना हो जाएगा चौंसठ चार का स्क्वायर सोलह सोलह इंटू तीन कितना हो जाएगा यहाँ पे तो अड़तालीस और चार इंटू तीन कितना हो जाएगा बारह यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा इतने परसेंट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल है। जैसे मानो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा कितने का वैल्यू है तो ये हमारा सौ का मान है और हमें पता कितने का करना है तो हमें यहाँ पर बारह दशमलव चार आठ छः चार का वैल्यू पता करना है भाई ये बहुत क्लियर है इस बात को समझना बड़े ध्यान से हमने कहा दो से दो ख़त्म तुम्हारा ठीक है और ये जो दशमला है ना इधर का आएगा दो जीरो है तो दशमलव को दो अंकों के दूर तक लेके जाएगा यानी बारह सौ अड़तालीस के बाद दशमला लगेगा ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा ये हमें क्या मिला है भाई तो ये हमें हमारा ब्याज मिला है क्लियर है और दस हज़ार में बारह सौ अड़तालीस रुपये को जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे आ जाइए चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस में और वो आ जाते हैं हम यहाँ पर जो कंसेप्ट सीखेंगे वो यहाँ से कौन कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे तो यहाँ से हम सीखने वाले हैं एक तो हाफ ईयरली ठीक है कि अगर हमें पैसा अर्धवार्षिक रूप में देना हो तो हम कैसे देंगे दूसरा यहाँ पर फाइव मंथली जैसे हो गया कि फाइव मंथली हो गया यहाँ पर या फिर जैसे मानो सेवन मंथली हो गया या फिर जैसे नाइन मंथली हो गया इस तरह के सवाल कि जहाँ पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ना किया जाए जहाँ पर एग्जामर ऐसा चाह रहा हो ना कि भैया तुम हमें साल के अंत में पैसा मत दो तुम हमें आकर हर पाँच पाँच महीने पर पैसा दो हर छः छः महीने पर पैसा दो तो वो हम किस तरीके से टैकल करेंगे वो देखिए यहाँ पर ठीक है तो जैसे मानिए क्वेश्चन हमारा कहा गया एक व्यक्ति आठ हजार रुपए की राशि दस परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है ठीक है कितना पैसा उधार लिया आठ हज़ार कितने के रेट पर लिया दस परसेंट पर और जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रविधि होता है तो एक वर्ष की अवधि का चक्रविधि ब्याज क्या होगा पहले तो ये अर्धवार्षिक का कंसेप्ट समझिए कि अर्धवार्षिक क्या होता है या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं फाइव मंथली क्या होता है सेवन मंथली क्या होता है इनका मतलब यहाँ पर यह होता है जैसे अगर मैं अर्धवार्षिक कहूँ छः महीने कहूँ तो छः महीने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि आप मुझे साल के अंत में लाकर ब्याज मत दीजिए हर छः छः महीने पर ला ब्याज दीजिए मुझे नहीं जरूरत है साल के अंत में ब्याज मुझे हर छह महीने पर ब्याज चाहिए अगर कोई यह कहता है ब्याज फाइव मंथली है इसका मतलब उसको हर पांच पांच महीने पर ब्याज चाहिए तो इनके मतलब यहां पर इस तरीके से ऐसे निकल जाते हैं ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए ना इसका एक गोल्डन तरीका है और गोल्डन तरीका यहाँ पर यह है कि आप अपना रेट निकालना आप अपना टाइम निकालना एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो गलत है और जो समय दिया है वो भी गलत है इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पैसे कितने आठ हज़ार रेट कितना दस परसेंट उधार ले लिया ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कभी भी ईयरली को छोड़कर कोई भी दूसरा समय आ जाए हाफ ईयरली फलाना 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 अपना रेट निकालना अपना समय निकालना रेट कैसे निकालते हैं वो देखो जैसे मानो यहाँ रेट तुम्हारा दस परसेंट है और ये रेट जो है वो दस परसेंट क्या है तो दस परसेंट का वार्षिक है कहा गया ना टेन परसेंट पर एनम है प्रति वर्ष का ब्याज है आपको कैसा चाहिए यहाँ पर सेमी एनुअली चाहिए यानी हर छः महीने पे। तो आप पता है क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ये जो रेट दिया गया है ना ये रेट हमारा बारह महीने का रेट है और मुझे कितने का निकालना है छः महीने का जितने का दिया गया उससे डिवाइड जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई तो यहाँ बोलोगे सर आप ये जो रेट है हमारा कुल मिलाकर कितने का रेट है तो पाँच का रेट है क्या रेट है सर तो पाँच परसेंट का रेट है यानी हर साल हम जो है पाँच परसेंट के हिसाब से ब्याज देंगे छः छः महीने का जो ब्याज का दर होगा पाँच उसके बाद समय की बात अगर हम यहाँ करें तो समय हमें कहा गया एक साल एक साल को पहले तो महीने में कन्वर्ट करो एक साल में कितना महीना होता है एक साल में आपका बारह महीना होता है तो यहाँ बारह महीने आप लिखेंगे अगर आप सामने वाले को ब्याज जो है वो चार चार महीने पर दे रहे हैं तो चार महीने से डिवाइड करना तीन तीन महीने पर दे रहे हो तीन से डिवाइड करना आप सामने वाले को सेमी एनुअली ब्याज दे रहे हो छः छः महीने पर दे रहे हो तो आप इसे छः से भाग करो यानी ये हो जाएगा दो बार इसीलिए अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप हाफ़ ईयरली पर पैसा देते हैं तो आप अपने रेट को आधा कर दीजिए तो दस का आधा पाँच हो जाता है और समय को दोगुना कर दीजिए यहाँ पर तो एक साल का दोगुना दो हो जाता है समझे तो हाफ़ ईयरली में ऐसा कन्सेप्ट भी बनाया जाता है रेट आधा समय दोगुना रेट दस परसेंट का आधा पाँच परसेंट और समय जो हो गया वो दोगुना यानी ये हो गया और वो कन्सेप्ट आता कहाँ से है तो यहीं से आता है कोई भी मंथली होना उसको आप इस तरीके से निकालना रेट और आप अपना समय निकाल

और हमें पता क्या करना है तो हमें यहाँ टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट का मान पता करना है हमें यह बताना है वही बात है यहाँ दशमलव से हटाओगे तो तुम्हारे दो जीरो आ जाएंगे दो से तुम दो को काट पाओगे ठीक है बीस से तुम काटोगे चार बार में बीस से काटोगे पाँच बार में पाँच से कटा मेरे भाई दो बार में और पाँच बार में दो सौ पाँच का चार गुना कितना हो जाएगा आठ सौ बीस हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई यानी ऑप्शन या नंबर ए आंसर होगा तो कभी भी यहाँ पर जब भी आप चक्रविधि ब्याज निकालते हैं चाहे अर्धवार्षिक हो तीन माही हो चार माह हो पाँच माह हो कुछ भी हो तो आपको अपना रेट निकालना है आपको अपना समय निकालना है और ब्याज निकालना है और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर देना है जो कि आप भूल चुके हैं हमें याद दिलाना पड़ता है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ए फॉर आ जाओ इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बुला लीजिए फरवरी का महीना है सिंगल मरने से तो बेहतर ही है ठीक है कि आ भी जाओ आ भी जाओ कहते रहो क्या पता कभी आ भी जाए चलिए आ जाइए चलिए अभी जो हमने आपको तीन साल वाला कंसेप्ट सिखाया था ना उस पर आएंगे लेकिन इसको बाद में देखेंगे तीन साल वाले पे अब बाद पर आते हैं इनको बाद में देखते हैं ठीक है एक और हाफ ईयरली का क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहा गया है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चकृत रूप से जो है वो की गई हो तो बहत्तर सौ रुपये की राशि पर 20 परसेंट की दर से 18 महीनों के लिए ब्याज कितना होगा मैंने अक्सर कहा यहाँ पर कि चक्रविदि ब्याज आप कैलकुलेट कर रहे हैं अब अगर आप यहां देखिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया पैसा कितना बहत्तर सौ समय कितना अठारह महीने ठीक है उसके बाद रेट कितना बीस परसेंट और हमें यहां पर हाफ ईयरली में पैसा चाहिए हाफ ईयरली का क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाया आपको यहाँ पे कि वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ समी टू हंड्रेड फॉर एटीन मंथ एट अ रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैंने कहा हाफ ईयरली हो कोई भी हो हमें अपना रेट निकालना है हमें अपना समय निकालना है हमें अपने से मतलब है तो मान लीजिए रेट हम निकालेंगे एक तो तरीका है कि सीधा बीस का आधा दस कर दो और नहीं तो दूसरा ऐसे सोचो कि सर बीस परसेंट जो रेट है ना वो बारह महीने का रेट है आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो छह महीने का रेट मांग रहे हैं छह से हमने काटा दो तो बार में दो से हमने काटा दस बार में तो जाके हमारा रेट दस परसेंट आता है और नहीं तो साफ सफाई में आप लिख सकते हैं कि इसका आधा कर दिया जाए समय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो समय हमारा अठारह महीना दिया गया और हमें ब्याज सामने वाले को हर छः-छः महीना पे देना है तो मैंने 10 का तीन बार का याद था। और वो वैल्यू कितना तीन सालों का जो ब्याज होता है सीधा मैंने याद कर रखा है थर्टी थ्री पॉइंट वन याद है वो टेबल या भूल गए मैंने कहा था ना कि इसका स्क्रीन शॉट ले लो दोबारा से जिन्होंने स्क्रीन शॉट नहीं लिया है वो दोबारा से ले लेंगे देख लो दस परसेंट के हिसाब से तीन

तैंतीस दशमलव एक का मान अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे जीरो आ जाएगा ख़त्म कर दो यहाँ पे गुना कर दो बेहतर का एक गुना बेहतर का दो सात हाथ में बहत्तर का तीन गुना कितना हो जाएगा दो सौ सोलह दो सौ सोलह और सात दो सौ तेईस यहाँ पे तो बाईस आपका मन में रहेगा बेहत्तर का तीन गुना दो सौ सोलह दो सौ सोलह और तुम्हारा दो दो सौ अट्ठारह दो सौ अट्ठारह और बीस तुम्हारा कितना हो जाएगा तो दो हो जाएगा भाई ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 से भाग करना है यानी इतना तेईस तिरासी दशमलव दो तेईस जो है 2383, 2383 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है कई बार ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको जहाँ पर आप फंस से रह जाएंगे जैसे मैं अभी यहाँ पर टिक करने वाला था सही आंसर आने के बाद भी डिजिट ऐसे दिए गए होते हैं फिर भी दो सेकेंड का पॉज करना है सोचना है और तब सही आंसर करना है भाई ठीक है क्लियर है ये बात यहाँ पे आ जाइए अभी आपने हाफ ईयरली पढ़ा अब आपको मैं यहाँ पर क्वार्टरली का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्वार्टरली के क्वेश्चन आप कैसे टैकल करेंगे उसी कंसेप्ट बत्तीस हजार की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रविधि की जाने वाली बीस परसेंट वार्षिक दर पर नौ महीने में कितना हो जाएगी यानी यहाँ अमाउंट आपसे पूछा गया है कि अगर तुम किसी को बत्तीस हजार रुपये देते हो तो नौ महीने के बाद वो कितना हो जाएगा अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कैसा है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या साल भर में लिया जा रहा है ब्याज छः छः महीने पर लिया जा रहा है या त्रैमासिक है तो त्रैमासिक यानी हर तीन तीन महीने पर तो वॉट इज द अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ थर्टी थर्टी टू थाउजेंड एट ट्वेंटी परसेंट पर इंडम फॉर नाइन मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली क्वार्टरली का एक केस भी कहा जाता है भैया आप अपने रेट को यहाँ पर एक चौथाई कर दो यानी पाँच परसेंट समय को यहाँ चार गुना कर दो नौ चौके छत्तीस यानी तीन साल पंद्रह परसेंट निकालना है इसका पंद्रह परसेंट कितना हो जाएगा बत्तीस सौ सोलह सौ यानि अड़तालीस सौ पाँच हज़ार जोड़ दो सैंतीस हज़ार के करीब में आएगा यहाँ पे ठीक है तो इस तरीके से आपका होगा यहाँ पे कि वट इज़ द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ इतना मतलब देखते हैं यहाँ पर टोटल हालांकि यहाँ पर जो है ऑप्शन अमाउंट पूछा जा रहा है सारे के सारे अमाउंट ये तो हो ही नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता है ठीक है मुझे यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ नज़र आ रही है बाकी हम लोग देखते हैं ऑप्शन इसके गड़बड़ टाइप हैं हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन इसके क्या हो सकते हैं वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ इज सम ऑफ इतना ठीक है it, तो चलिए हमने कहा कि हम अपना रेट निकालेंगे हम अपना समय निकालेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा बीस रेट दिया है तो ये बीस रेट कैसा है पूरे साल का है यानी ये बारह महीने का है और हमें यहाँ पर क्वार्टरली चाहिए क्वार्टरली का मतलब होता है तीन तीन महीना क्वार्टरली का मतलब क्या होता है तीन तीन महीना होता है यानी हमें हर तीन तीन महीने पर ब्याज देना है तो मुझे जो रेट निकालना है वो कितने महीने का निकालना है तीन या हिंदी में देख लो त्रैमासिक लिखा हुआ है तीन से काटोगे चार बार में चार से काटोगे पाँच बार में तो रेट तुम्हारा निकल के आ जाएगा पाँच परसेंट अब समय की बात यहाँ करते हैं कि समय आपका कितना है तो समय आपका है नौ महीना ठीक है समय कितना है मेरे भाई तो आप ब्याज तीन बार दे रहे हो तो आप बताओ पाँच परसेंट तीन बार कितने का ब्याज आएगा पंद्रह पॉइंट सात छः दो सैतीस हज़ार के करीब आंसर आएगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था बिना कलम उठाए पंद्रह परसेंट का ब्याज इसका दस परसेंट बत्तीस सौ पाँच परसेंट सोलह सौ बत्तीस सोलह अड़तालीस सौ यानी लगभग लगभग बत्तीस और पांच हजार हजार के करीब में आंसर जाएगा ठीक है बट यहाँ हम देखते हैं हमसे अमाउंट पूछा गया है तो हमने कहा सर देखिए ये जो बत्तीस हजार है ये बत्तीस हजार हमारा क्या है तो मूलधन है सर यानी कितने का मान है तो सौ का मान है हमसे पूछा गया है वट इज द अमाउंट मिश्र धन क्या होगा सौ परसेंट का पैसा इतने परसेंट का ब्याज तो मिश्र धन कितना होगा सौ में इतना जोड़ दो यानी एक सौ पंद्रह दशमलव सात छः दो पाँच एक सौ पंद्रह दशमलव सात छः दो पाँच सौ में इतना जोड़ दो तो एक सौ पंद्रह दशमलव सात पाँच ठीक है भाई आ जाओ चलो दशमलव तो हटाओगे तो तुम्हारे पास नीचे कितने जीरो आ जाएंगे चार जीरो मुफ्त में आ जाएंगे तीन से तो तुम्हारे तीन ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे पच्चीस से काटना है तो काट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे पच्चीस से काटोगे छः बार में सॉरी पच्चीस से काटोगे तो तुम भाई यहाँ समझो पच्चीस का चार गुना तुम्हारा सौ हो जाएगा एक सौ सत्तावन छः बार में डेढ़ सौ छिहत्तर तीन बार में पचहत्तर एक सौ पच्चीस पाँच बार में हो जाएगा और पच्चीस से काटा तो कितनी बार में गया तुम्हारा तो पच्चीस से काटा तो तुम्हारा ये चार बार में चार से तुम काटोगे फर्दर तो आठ बार में जाएगा ठीक है आपको और काटना है तो काट लीजिए जैसे मान लीजिए आठ इंटू पाँच चालीस का जीरो चार पास में आठ इंटू जीरो चार हो गया हमारा आठ तिर के चौबीस चार ठीक है आठ छः अड़तालीस और दो पचास और आठ चौके बत्तीस और पाँच सैंतीस और भाग करना है दस एक जीरो खत्म सैंतीस जीरो चौवालीस और हमने कहा ही था कि सैंतीस हज़ार के करीब में आंसर आएगा सैंतीस जीरो चौवालिस अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना था तो आप सॉल्व करते बाकी मेरा तरीका जो था एक अप्रॉक्सीमेशन का था आप उससे भी आंसर दे सकते थे आप सीधा बोलते सर क्वार्टरली का मतलब रेट को यहाँ पर क्या कर दीजिए चार से भाग रेट आ जाएगा पाँच परसेंट समय को चार गुना नौ चौके छत्तीस यानी तीन साल तीन बार पाँच परसेंट यानी तीन बार शख्स सिर्फ पंद्रह परसेंट इसका पंद्रह परसेंट अड़तालीस सौ के करीब में आता है यानी पाँच हज़ार बत्तीस हज़ार में पाँच हज़ार जोड़ोगे सैंतीस से हजार वाला ही आंसर होगा ठीक है क्योंकि अमाउंट पूछा है तो अमाउंट पूछा है तो यहां पर ये यह हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता दोनों कम है यही दोनों संभव हैं ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आता ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल हम लोग यहां देखते हैं अगला सवाल हमसे एक और क्वेश्चन कहा गया है ठीक है एक और सवाल हमसे पूछा गया है कि वट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ट्वेंटी थाउजेंड फॉर नाइन एट अ रेट ऑफ फोर परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी अगर हम यहाँ पर त्रैमासिक रूप से सामने वाले से ब्याज लेते हैं तो हमारा ब्याज का दर क्या होगा चार परसेंट ब्याज का दर है नौ महीने के लिए पैसा ले रहे हैं तो ब्याज कितना होगा हमने कहा क्वार्टरली हो हाफ ईयरली हो कुछ भी हो ठीक है हमें क्या करना है हमें अपना रेट निकालना है सी एच एस एल का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के लिए तो एक लाइक like बनता ही बनता है जो कि आप भूल गए हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर कहा देखिए रेट हमारा कितना दिया है चार परसेंट अब ये जो रेट दिया गया है ना ये फोर परसेंट पर नम है प्रति साल का है और हमें यहाँ इंटरेस्ट क्या चाहिए क्वार्टरली चाहिए यानी यहाँ पर जो है वो कितना चाहिए क्वार्टरली यानी ये जो चार परसेंट है ना मेरे भाई ये बारह महीने का रेट है और मुझे कितने महीने का रेट चाहिए तीन महीने का चार इंटू तीन बारह से बारह खत्म यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा एक परसेंट आ जाएगा भाई ठीक है अब हम आ जाते हैं समय पे समय हमारा कितना बार दिया गया समय हमारा नौ महीना दिया गया है अब नौ महीना का बात करोगे ठीक है और ब्याज कितने महीने पर दे रहे हो तीन महीने पे तो जितना समय दिया गया वो लिखना और तीन तीन महीने पर ब्याज दे रहे हो तीन से डिवाइड चार चार पर दे रहे हो चार से डिवाइड यानी कितनी बार तीन बार अब आप लोग मुझे बताओ एक परसेंट का तीन बार का ब्याज निकालना है क्या मैंने आपको नहीं बताया ब्याज कैसे निकालते हैं बताइए मैंने कहा था ना थ्री ए हो जाता है फिर उसके बाद थ्री ए स्क्वायर आ जाता है और फिर उसके बाद एक यू हो जाता है और यहां हम इस तरीके से लिखते हैं लिखते हैं पहले एक की बात करते हैं तो एक का यहाँ क्यूब एक का क्यूब का मतलब जीरो वन एक का स्क्वायर एक एक इंटू तीन हमारा आ जाएगा जीरो तीन और एक का तीन गुना तीन यानी थ्री पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन परसेंट कितना आ जाएगा मेरे भाई थ्री पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन परसेंट इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा क्वेश्चन में व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ब्याज कितने का आएगा वो हमसे पूछा है तो ब्याज कितने का आएगा वो पूछा गया तो भाई यहाँ कर सॉल्व ठीक है आप यहां बोलोगे सर देखो ये तो साइड सब्जेक्ट है ये तो बात की बात है यहां पर इसको साइड में कर दो कोई टेंशन नहीं है हमसे ब्याज पूछा गया दिया क्या है सर बीस हजार और ये बीस हज़ार हमारा क्या है तो ये बीस हज़ार हमारा प्रिंसिपल है यानी सौ का मान है और हमें कैलकुलेट कितने का करना है थ्री पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन परसेंट हटा दोगे तो नीचे तुम्हारे चार जीरो मुफ्त में आ जाएंगे ये चारों से तुम इस चारों का सर्वनाश कर सकते हो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो भाई दो इंटू एक दो फिर जीरो फिर छः फिर जीरो फिर छः सौ से भाग यहाँ पे यानी छः सौ छः रुपये और छः सौ छः दशमलव जीरो दो एग्जैक्ट आंसर आ गया हालाँकि आप यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते थे बट इतने छोटे कैलकुलेशन uh, के लिए डिजिटल सम लगाना अपने आप में मूर्खता होती ठीक है तो हमें ऐसा नहीं करना है बहुत ही प्यार तरीके से बहुत ही शालीन तरीके से हमें इसका उत्तर देना है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है और वो है आपका एट मंथली कैसे आप एट मंथली कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने कहा ना हाफ़ ईयरली हो गया हमारा क्वार्टरली हो गया मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये सारी बातें पढ़ाऊँगा ठीक है ताकि आपके पेपर में कोई परेशानी ना हो तो हमने यहाँ पर कहा देखो हाफ ईयरली हो चुका है क्वार्टरली हो चुका है अब कुछ ऐसे फाइव मंथली सेवन मंथली एट मंथली तो ये दोनों अलग नहीं है ये भी सेम तरीका है भाई ठीक है तरीका जो बच्चा सीख गया उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है तो यहां क्या है बासठ हज़ार पाँच सौ की राशि पर प्रत्येक माह आठ माह में चक्रविधि होने वाली बारह परसेंट वार्षिक दर से दो वर्षों में प्राप्त चक्रविदि आज कितना होगा यानी यहाँ पर व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर टू ईयर एट ट्वेल्व परसेंट पर नम एफ कंपाउंडेड एट मंथली एट मंथली हो सेवन मंथली हो कुछ भी हो आपको अपना रेट निकालना है आपको अपना समय निकालना है दैट्स एट तो आप यहाँ बोलेंगे सर हम बात करते हैं रेट के बारे में एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो बारह दिया है कितने महीने का इसमें रेट दिया है तो बारह परसेंट जो रेट है वो बारह महीने का है हमें कितने महीने पर ब्याज देना है आठ आठ महीने पर सामने वाले को ब्याज देना है तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा आठ परसेंट रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा आठ परसेंट अब यहाँ समय की बात करते हैं तो समय के बारे में अगर हम जानते हैं भाई तो समय हमारा दो साल है दो साल में कितने महीने होते हैं एक साल में बारह महीने दो साल में हमारा कितना हो जाएगा दो साल में हमारा चौबीस महीने हमें सामने वाले को हर आठ महीने पर जाके ब्याज देना है तो हर आठ महीने पर अगर हम उसे ब्याज देंगे तो कितनी बार ब्याज देंगे तो कुल मिला के तीन बार ब्याज देंगे समझ रहे हैं मेरी बातों को यानी आठ परसेंट के हिसाब से तीन बार ब्याज कितना होगा मेरे भाई तो मैंने आपको याद करिए फार्मूला बता रखा है सक्सेसिव का जो कंसेप्ट है जो मेज़र तरीका है वो मैंने बताया कि सक्सेसिव निकालते कैसे हैं याद करवाया ना अभी हमने आपको बताइए तो आप आंसर दे सकते हैं आप बोलेंगे गुरुदेव देखिए बात बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला हमारा क्या है थ्री ए थ्री ए स्क्वायर और हमारा ए क्यूब इसी दिन के लिए तो ये फॉर्मूला बनाया था मैंने ताकि हमारे बच्चे शॉर्ट में आंसर दे पाएँ वैल्यू हमारी आठ की है आठ का क्यूब कितना होता है पाँच सौ बारह होता है आठ का स्क्वायर चौंसठ का तीन गुना कितना हो जाता है एक सौ बानवे आठ का तीन गुना कितना हो जाता है चौबीस मैंने कहा मात्र इसके दो अंक रहेंगे और इसके दो अंक रहेंगे भाई असमंजस हो गया कोई दिक्कत नहीं बारह का बारह यहाँ रखो ये पाँच ट्रांसफ़र कर दो पूरा एक सौ बानवे को एक सौ बानवे ने अपने में पाँच लिया जैसे कह दो सर कि ये जो है फाइव प्लस टू सेवन हो जाएगा फिर नाइन हो जाएगा जैसे दो ये पाँच इसके पास चला गया एक इसके पास चला गया चौबीस और एक कितना हो जाएगा पच्चीस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सेवन वन टू परसेंट यानी अगर हम बात करें इतने परसेंट के हिसाब से इतने साल का ब्याज 25.9712 परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा अगर हम एक पल के लिए देखें तो भाई हमारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं यहाँ पे ठीक है तो हमारे जब ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है ना तो हम इसको 25.9 को या तो 25 परसेंट मान सकते हैं या छब्बीस मान सकते हैं अगर ऑप्शन काफ़ी करीब करीब में यहाँ पर होते हैं ठीक है जैसे मानो तो हम यहाँ पर एक पल के लिए सोचते भी हालाँकि देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन काफ़ी करीब हैं एक्सीडेंट हो सकता है तो रिस्क नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है तो हमने यहाँ कहा कि देखिए बासठ हज़ार पाँच सौ रुपये ये भैया क्या है तो इन्होंने कहा सर ये प्रिंसिपल है कितने की वैल्यू है सौ की और हमसे कितने का मान पूछा गया है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सेवन वन टू डिजिटल सम नहीं लगा सकते क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू में पूछा गया है अगर नियरेस्ट में नहीं पूछा गया रहता तो डिजिटल सम लगा सकते थे कभी भी डिजिटल सम वहाँ प्रयोग ना करें जहाँ आपको एक तरीके से अप्रॉक्सीमेशन में आंसर दिया गया हो ठीक है तो यहाँ पर हटाओगे तो वही बात है तुम्हारे नीचे चार जीरो आ चुके हैं मुफ्त में हालांकि आप यहाँ पर पॉइंट नाइन सेवन भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा बट मैं फिर भी चाह रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊँ आपको ठीक है तो ये हमारे दोनों के दोनों जा चुके हैं पच्चीस से अगर मैं इसे काटूंगा तो पच्चीस बार में कटेगा और पच्चीस से मैं इसे काटूँगा तो कुल मिला के चार सौ बारह में कटेगा अगर मैं चार से काटूंगा तो ये सौ बार में कटेगा और अगर मैं चार से काटूँगा चार का छः गुना चौबीस उन्नीस आ गया चार का चार गुना सोलह ठीक है सैंतीस आ गया नौ बार में छत्तीस ठीक है और ग्यारह आ गया दो बार में आठ और आठ आ चुका है ठीक है अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो 25 का आठ गुना दो का जीरो मन में 20 पच्चीस यानी पचास बीस सत्तर का जीरो मन में सात पच्चीस नवा दो और सात दो का दो तेईस मन में पच्चीस शो के सौ और तेईस एक सौ तेईस का तीन बारह हाथ में पच्चीस छक डेढ़ सौ डेढ़ सौ और बारह कितना हो गया एक सौ बासठ और इससे भाग करना है सौ से यानी आखिरी के दो खत्म सोलह हज़ार दो सौ बत्तीस ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है तो समझ गए यहाँ पर बात को बहुत ही आसान तरीका था एक बच्चा कहता है गुरुदेव टू ईयर बोला है हाँ मेरे भाई मुझे पता है टू ईयर बोला है और दो साल में चौबीस महीने होते हैं मुझे ये भी पता है इसीलिए तो मैंने चौबीस महीने को वार्ड से भाग किया था कि तीन बार आए तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे अगर आपके तो आप अपना रेट निकालेंगे आप अपना समय निकालेंगे उसके आधार पर आपको ब्याज मिलेगा आप कहेंगे ये हमारा सौ परसेंट का मान है तो हमें इतने परसेंट का निकालना है और ये आपका आंसर आ जाएगा तो एक तरीके से गई में हम आपको ले कर चले इस पूरे सेशन के दौरान और हमने आपको वो हर चीज़ सिखाने की कोशिश की जो आपकी आवश्यक थी जैसे एक और काम आप यहां करिए आप यहां पर अगर देखेंगे पांच बटे चार यानी यहाँ पंद्रह चलिए आ जाइए तो फिर ये हमारा थोड़ा सा जो है ना दशमलव में जाएगा ठीक है तो आपके पास यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो यहाँ पर और भी हम करवाएंगे और बाकी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे जैसे अगली क्लास को हम स्टार्टिंग करने वाले हैं फाइव मंथली सेवन मंथली नाइन मंथली एलेवन मंथली टेन मंथली से ठीक है तो कल कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और क्लास लगी वहाँ से आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा दूसरी बात आज के सेशन की प्रिंटेबल पी डी एफ होगी कोर्सेस के बारे में भी बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं वो भी बताएंगे तो आज के सेशन का प्रिंटेबल पी जो है ये आपके दो अपने टेलीग्राम है रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन दोनों का जो प्रिंटेबल पी है मेरे भाई वो यहाँ से मिलने वाला है आपको ठीक है समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे प्रिंटेबल पी जी हाँ बिल्कुल ऐसा वाला पी ठीक है आज तक मैंने जितने सेशंस कराए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है बिना किसी पैसा बिना कोई चार्ज नॉर्मल आप लोगों का अपना ही चैनल है भाई तो चार्ज क्या लेना ठीक है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको हर सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अब तक जितने भी हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इकट्ठा रखिए इस महाभारत बैच में वाकई में महाभारत होने वाला है आप लोग मेरे अर्जुन हो ठीक है और मैं आपका द्रोणाचार्य मैं आपको सारी बातें बताऊँगा कि यहाँ पर इसको भेजेंगे कैसे ठीक है तो ये पूरा आज के सेशन का प्रिंटेबल पी डी है मिलेगा बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए जो आपको करने हैं या मैं अगले सेशन में कराऊँगा ठीक है इसके अलावा मैथ्स के मेरे भाई दो बैचेज़ हैं एक तो रिकॉर्डेड बैच है और एक लाइव बैच है रिकॉर्डेड बैच में बच्चों को यह लगता था कि बहुत पुराने वीडियोस हैं हैं बहुत रिकॉर्डिंग्स है, तो मेरे भाई नया रिकॉर्डेड बैच आ चुका है एप्लीकेशन पे अगर आप देख रहे हो तो देख पा रहे तो देख पहले परसेंटेज परसेंटेज शीट शीट के नाम से दो होते थे अब सीधा परसेंटेज के नाम से एक वीडियो है उसी तरीके से उसमें सारे कई सारे चैप्टर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं और अभी भी स्टिल मैं उसमें कई सारे चैप्टर्स अपडेट और कर दूंगा रिकॉर्डेड बैच का मतलब ये नहीं होता पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको किया है रिकॉर्डेड बैच बैच का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड यानी कहने का मतलब कंप्लीट कोर्स जिसको हमने बनाकर रख दिया है जिसको दो महीने में खत्म करना है वो दो महीने में खत्म करे और जिसे दो साल में करना है वो दो साल में करे बस उसे कंप्लीट मैथ की मेरी एक वीडियो मिल जाए ठीक है तो मेरी कंप्लीट मैथ की वीडियो कितने में सात सौ में यानी छह में निन्यानवे अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस साढ़े तीन सौ से ऊपर लेक्चर्स उनके पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह पे आरजी विक्रम जित एप्लीकेशन पे ठीक है साथ में ये इंक्वायरी नंबर है जो आपकी सेवा में सहायता में है जहाँ पर आप फोन करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरा लाइव बैच है मेरे भाई ठीक है चैंपियंस लाइव बैच ये हमारा आ, स्टार्ट हुआ है सोलह जनवरी से नया बैच है अगला बैच मेरा दो महीने के बाद आएगा तो जितने बच्चे इसमें एनरोल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है अर्थमेटिक में परसेंटेज से एडवांस में अल्जरा से मतलब दोनों वो टॉपिक जहां से स्टार्ट करना चाहिए ठीक है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा अगर आप 2023 में किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां से ये बैच ले सकते हैं चैंपियन सेवन पॉइंट हो लाइव बैच है इसकी फ़ीस आठ सौ निन्यानवे और सेम यही इंक्वायरी नंबर है आप यहां बात कर सकते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं सारी बातें बता दी जाएंगे जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है उसी तरीके से हमारा जो लाइव है वो कॉम्बो का भी है मैथ स्पेशल इंग्लिश स्पेशल रीजनिंग स्पेशल तो आप यहाँ पर इन स्पेशल्स का भी जो है सीधा सीधा कॉम्बो ले सकते हैं अलग अलग स्पेशल ना लेकर नौ सौ नौ सौ नौ सौ जी एस का बैच पच्चीस सौ में मिल जाता है ये अच्छा ऑफर हो जाता है आपके लिए साथ में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो कॉम्बो अति महत्वपूर्ण होता है तो मेरे बैच लेने से बेहतर कॉम्बो लीजिए जिसमें प्रशांत सर का बहुत ही प्यारा आपको इंग्लिश का बैच मिलेगा विक्रमजीत सर का रीजनिंग का जो है वो यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और हमारी पूरी जी एस टी एम का जो है आपको बैच मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जी एस टीम भी जो है आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर अप कराती हैं और पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और ये भी हमारा इसी बैच से इसी एप्लीकेशन से मिलने वाला है ठीक है तो आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करना वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना ठीक है और अपना मोटिवेशन जो है वो ऐसे ही बनाए रखना और हम पर भी सपोर्ट बनाए रखना ठीक है भाई चलो खुश रहो प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से ठीक है और खुश रहो मस्त रहो ध्यान रखो अपना भी उनका भी लव यू ऑल टेक केयर बाय ठीक है मिलते हैं कल के सेशन में लाइक कर देना वीडियो को